हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय सर्वाइवल वर्ल्ड। सो मुझे पता है सबसे पहले आप लोग यही नोटिस करोगे कि मेरा नेदरराइट का आर्मर और सारा सामान कहाँ गया। तो आप लोग को पता ही होगा कि मैं सैंड ड्यूपर बनाने गया था एंड में, और मैं कीबोर्ड और माउस को माइनक्राफ्ट से कनेक्ट करके खेलने का ट्राई कर रहा था। ऑल दो मैंने आज से पहले कभी माइनक्राफ्ट को कीबोर्ड और माउस में नहीं खेला था और ना ही मुझे अच्छे से सब कंट्रोल पता था। तो बस ये हादसा होना ही था, मैं वॉइड में गिर गया और मेरा सारा सामान भी वॉइड में गिर गया। बट मैं उतना दुखी आत्मा नहीं हूँ, मेरे पास काफी ज्यादा डायमंड पड़े हुए थे, तो मैंने अपने लिए डायमंड का आर्मर और डायमंड के टूल्स बना लिए, और मेरे पास कुछ एन्चांटेड बुक भी पड़े हुए थे तो उनको बेसिक एन्चांट भी कर दिया। एंड चलिए बहुत बार होना धोना, अब आज के वीडियो का बात कर लेते हैं। सो आज हम लोग एक बहुत ही क्रेजी बिल्ड बनाने वाले, वो भी अपने लिए नहीं विलेजर्स के लिए। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। सो आज हम लोग विलेजर्स के लिए पिंक चेरी वुड से कस्टम विलेज बनाने वाले हैं। बट उससे पहले प्लीज गाइज, आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे सामान खोने का गम थोड़ा कम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता ही होगा कि जब मैं एडवेंचर करने गया था तो मैं वहाँ से काफी सारे चेरी सैपलिंग लाया था, तो मैंने उनको प्लान कर दिया क्योंकि आज हम लोग इनकी काफी ज्यादा नीड है। एंड आज मेरे गेम प्ले में आप लोग को थोड़ा सा चेंज दिखने वाला है क्योंकि आज मैं पहली बार कीबोर्ड और माउस से खेलने का ट्राई कर रहा हूँ, तो आज मैं आप लोग को थोड़ा नूब टाइप दिख सकता हूँ। और मैंने अपनी मुश्किलें और बढ़ाने के लिए अपना कस्टम विलेज यहाँ पे बनाने का सोचा है। इस जगह पे आप लोग देख ही सकते हो कितना मतलब ऊबड़ खाबड़ है, मुझे यहाँ पे कितना सारा काम करना पड़ेगा और मुझे अभी खुद भी नहीं पता कि मैं इस जगह को पूरा क्लीन करूंगा कैसे। बट इजी चीजों में मजा नहीं आता, क्रेजी चीजों में मजा आता है। तो यार चलिए फटाफट से इस जगह को एकदम पूरा क्लीन करते हैं। Much, much, much later. तो अभी तक हमारा आधा काम भी कंप्लीट नहीं हुआ है और ऑलरेडी यहाँ पे शवल टूटने को आ गया है, लेकिन मुझे पता था कि ऐसी परिस्थिति आएगी इसीलिए मैंने ऑलरेडी एक मेंडिंग वाला विलेजर बना के रखा है। तो चलिए फटाफट से उसे मेंडिंग लेते हैं और अपने शवल पे लगाते हैं। एंड अब चलिए अपने गोल्ड फार्म ऑन कर लेते हैं और अपने शवल को रिपेयर कर लेते हैं फटाफट से। Minutes later. हमारा सवल यहाँ पे फुल्ली रिपेयर हो चुका है, अब चलिए फटाफट से अपनी मजदूरी में लग जाते हैं दोबारा से। फाइनली गाइस, दो तीन घंटों की मेहनत के बाद मैंने उस एरिया को एकदम पूरा क्लीन कर दिया। इतना क्लीन अगर मैंने कभी अपने रूम को कर लिया होता तो मम्मी से डेली डांट नहीं मिलती। मम्मी प्लीज मत मारो, बाद में पक्का साफ कर दूंगा रूम को। वो मैं नहीं था गाइस, मेरा छोटा भाई मार खा रहा था, उसने अपना रूम साफ नहीं किया था इसीलिए। खैर चलो गाइस, अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि इस एरिया को मैंने कितना क्लीन किया है और कितना नहीं। यहाँ पे मैंने ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयर टाइप बना दिया और यहाँ पे भी मैंने स्टेयर टाइप बना दिया है क्योंकि ये जगह भी बहुत ऊंचा था। अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि मैंने इस जगह को एकदम कितना क्लीन किया है। तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि मैंने यहाँ पे इतना बड़ा एरिया क्लीन कर दिया और इतने में हमारा एक छोटा सा विलेज तो आ ही जाएगा। और अगर नहीं आया फिर भी मैं इसी में एडजस्ट करूंगा क्योंकि मुझे इसको करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया है। और यहाँ पे हमारा जो पुराना विलेज है जस्ट इसके पीछे ही होने वाला है, तो उसको भी मैं मॉडिफाई करने का ट्राई करूंगा बट बाद में। और अब बहुत हो गया बकबक, अब चलिए फटाफट से सारा सामान कलेक्ट कर लेते हैं जैसे चेरी वुड और स्क्रूज वुड। और मैं इन सैपलिंग को दोबारा रिप्लांट भी कर देता हूँ ताकि हम लोग को वुड की कमी ना पड़े। One hour later. हम लोगों ने सारा सामान तो जमा कर लिया, अब चलिए सबसे पहले एक रास्ता टाइप बना लेते हैं शवल से। तो अभी के लिए मैंने इतना सारा सामान जमा कर लिया, अगर कम पड़ेगा तो मैं दोबारा से ले आऊंगा। एंड ये जगह हम लोग का एकदम मिडिल पड़ता है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा कारीगरी किया जाए क्योंकि अगर विलेज के बीचों बीच कुछ अच्छा सा रहेगा तो देखने में भी मजा आएगा। पहले मैंने सोचा था यहाँ पे एक फाउंटेन बनाते हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे एक कस्टम पेड़ बनाना चाहिए ताकि अगर विलेजर्स को धूप लगे तो वो पेड़ की छाव में बैठ पाए। बट मुझे एक चीज देखना है, क्या ये एक साथ ग्रो होंगे जिससे कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। तो ये ग्रो नहीं हो रहे गाइस, हम लोग को खुद से ही बनाना पड़ेगा सब।
few moments later. All right guys, तुम्हारा कस्टम ट्री बन के रेडी है। मुझे पता है इतना अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन मैंने पहली बार ऐसा कुछ बनाने का ट्राई किया है, उस हिसाब से तो अच्छा ही बनाया। शायद आप लोग मुझे कमेंट में बताना आप लोग को कैसा लगा। तो इस ट्री को साक्षी बनकर हम लोग इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में तीन तीन विलेजर के घर बनाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से रास्ते निकालते हैं और विलेजर के घर बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग के कस्टम विलेज का पहला घर एकदम बीचों बीच में बनने वाला है और ये थोड़ा बड़ा बनने वाला है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला घर बन के रेडी और इन सब का मेकअप मैं एकदम लास्ट में करूंगा। अभी कर दूंगा तो इन सब का मेकअप उतर ही जाएगा। एंड चलिए अब यहाँ पे दूसरा घर बनाना शुरू करते हैं और ये एकदम सिंपल और छोटा सा होने वाला है। तो हमारा दूसरा घर भी रेडी और इसको मैंने जानबूझ के ही छोटा रखा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गांव में सभी लोग अमीर थोड़े ना होते हैं। एंड यहाँ पे बनेगा हमारा तीसरा घर और ये मैं थोड़ा अलग डिजाइन का बनाने का ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे हमारा तीसरा घर भी बनके रेडी है, बट ये किसी भी एंगल से घर नहीं लग रहा, बट विलेजर के औकात से 100 times बेटर ही है। एक्चुअली क्या है कि ये जो कुछ भी मैं बना रहा हूँ ये सब मैं अपने इमेजिनेशन से बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ तो हो ही सकता है। अब हम लोग तीन घर राइट में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मिडिल में एक बड़ा सा घर बनाते हैं। ऑल राइट, तो हमारा ये वाला घर बनके भी रेडी है और ये मैंने 2 floor का बनाया है और बीच में मेरा लकड़ी भी खत्म हो गया था तो मुझे दोबारा से लकड़ी भी लाना पड़ा। और ये जो छोटा सा घर हमने बनाया था, यही छोटा सा घर हम लोग यहाँ पे भी बनाने वाले हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो। सो हमारा ये वाला घर भी कम्प्लीट हो चुका है, अब बस एक लास्ट घर बचता है। हम लोग अपना लास्ट घर यहाँ पे बनाने वाले हैं, तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। एंड डन गाइज, यहाँ पर हमारा लास्ट वाला घर भी कंप्लीट हो चुका है और ये पता नहीं मैंने कौन सा डिजाइन बना दिया, मुझे खुद भी नहीं पता। तो अभी अगर देखा जाए तो हमारा कस्टम विलेज एकदम रेडी है, बस इसमें मेकअप का कमी है और मेकअप के बिना तो लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती, तो ये विलेज कैसे लगेगा। तो चलिए गाइज, इस विलेज को सजाने के लिए मेकअप का सामान लेके आते हैं और इस विलेज को सजाने के बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। मैं यहाँ पे पुराने वाले विलेज में लाइटें चोरी करने आया था, बट ये फैंस देखो कैसे हवा में लटक रहा है, ऐसे देख के तो कोई भी डर जाएगा। 6.5 hours later तो गाइज, क्या आप लोग मेरा कस्टम विलेज देखने के लिए रेडी हो? सो 3, 2, and 1 एंड लुक एट दिस गाइज, मेरे इन हाथों द्वारा बनाया गया कस्टम विलेज जहाँ की हर एक चीज मैंने अपने हाथों से बनाई है। ये बीच में मेरा कस्टम ट्री और ये स्ट्रीट लाइट, तो इसमें 4 चांद लगा दे रही है और यहाँ पे एक भी जगह अंधेरा नहीं होगा क्योंकि सारी जगह मैंने लाइटें लगा दी है। और साथ ही साथ इस विलेज के बाहर साइड भी मैंने काफी सारे चेरी ब्लॉसम के पेड़ लगा दिया है। अब बस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को मेरा कस्टम विलेज कैसा लगा और अगर यहाँ पे मैं कुछ और भी कर सकता हूँ जो आप लोग को पता होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना वो भी। चलिए आज की इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और राम राम।